ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पुरोहित जी, आपकी आज्ञा हो तो जोधा को डोली में बिठाया जाए। कुछ शेष तो नहीं रह गया है ना? जी नहीं, एक कार्य शेष रह गया है बापू साहब। हमारे क्षेत्र की मिट्टी ऐतराज ना हो तो हम भी हमारे साथ कुछ ले जाना चाहेंगे। हम इन्हें अपने साथ ले जाना चाहेंगे। छोटे शहजादे, तुम जोधा की हिफाजत करना चाहते थे ना? करोगे अपने परिवार की हिफाजत? राजा भारमल जी, हम मानसिंह को हमारे साथ ले जाना चाहेंगे। बदले में हम ये आपसे वादा करते हैं कि तारीख में ये बहुत ही बड़े सिपाही के तौर पर जाने जाएंगे। हमें स्वीकार है, लेकिन हम आपके साथ इसलिए नहीं आएंगे कि हमें अपने नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवाना है। हम तो अपनी जोधा बुवासा की सुरक्षा हेतु आना चाहेंगे। शहंशाह, हम जानते हैं कि आप मानसिंह का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं कि उनके पिता भगवंत दास भी आपके साथ जाएं। अगर इन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। यदि बाबूसा की यही आ गया है तो हम भी साथ चलने के लिए प्रस्तुत हैं। मानसिंह, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि हिंदुस्तान के शहंशाह स्वयं तुम्हें शिक्षा देंगे। भगवंत दास, मानसिंह का ध्यान रखना।
जोधा की डोली सांभर को छोड़ आगरा के लिए निकल चुकी थी। सांभर से आगरा का रास्ता तकरीबन 3 दिन का था। रात हो चुकी थी और जलाल का कारवां पड़ाव डाल चुका था। शहंशाह, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो आपके निकाह के मुबारक मौके पर खेमे में जश्न मनाना चाहते हैं। काफिले के साथ मौसी कार्ड तो है ही, फौज को आराम भी मिल जाएगा और जश्न भी हो जाएगा। बेगम जोधा कहाँ है? हमने सुना है कि हमारी बेगम जोधा का गला बड़ा सुरीला है। उन्हें यह पैगाम भेजा जाए कि भले ही हमारे निकाह का जश्न आगरा जाकर मनाया जाएगा, पर आज इस मुबारक मौके पर एक शहंशाह अपनी बेगम की मीठी आवाज सुनना चाहते। मेवाड़ की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां अजीब हो रही थी। राणा उदय सिंह अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप को अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे थे और राणा प्रताप चित्तौड़ के बाहर पहाड़ों और कुंभलगढ़ में रहकर भी मुगलों के खिलाफ अपनी देशभक्ति की अलग जगाए थे। कुंवर प्रताप की जय हो। एक बंदी को पेश करना चाहते हैं। इसे यहाँ क्यों लाया गया? कुंवर सुजावल ने आमेर के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया था। कुंवर साहब, उन्हीं के शिविर के आसपास घूमते हुए इसे पकड़ा गया। छोड़ दो इन्हें। मुगलों के साथ हाथ मिला लेने वाले देशद्रोही का मेवाड़ में स्वागत नहीं किया जाता, उनका वध किया जाता। किंतु हम तुम्हें छोड़ रहे, चले जाओ और दोबारा कभी हमारी सीमा रेखा के पास भी मत दिखना। जब वध करना आपकी परंपरा है तो हमें क्यों छोड़ रहे? तुम्हें मार देना तुम पर दया करना होगा। मर जाओगे तो सब भूल जाएंगे कि सूजामल नामक देशद्रोही के कारण आमेर की राजकुमारी को एक मुगल के साथ विवाह करना पड़ा। तुम्हारा जीवित रहना ही तुम्हारे लिए दंड। जब तक जीवित रहोगे ये स्मरण करके चलोगे कि तुम्हारे ही कारण हम राजवंशियों को अपना सर लज्जा से नीचे झुकाना पड़ा, कि तुम्हारे ही कारण हमारी धरती कलंकित हुई। जहां भी जाओगे प्रजा के ताने तुम्हारे कानों को भेदेंगे, उनकी दृष्टि तुम्हारे द्रोही मन को छेदेगी। इस देशद्रोही के यहां पर कदम पड़ने से यह स्थान अपवित्र हो चुका है। इस स्थान पर इसके कदम पड़े तो विध्वंस किया जाए। स्थान को देखो सुजा, जिस तरह से यह तहस नहस हुआ है इसे पुनः वैसा नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जो तुमने किया है, उस हानि को ना ही कोई इतिहास पाट पाएगा ना ही समय। आमेर का जीवन पुनः वैसा ही हो जाएगा। यहां के लोग अपना बुरा समय भूल जाएंगे, किंतु दो व्यक्ति हमेशा याद किए जाएंगे। एक राजकुमारी जोधा जिसने आमेर की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और एक तुम जिसने एक राजगद्दी की खातिर पूरे आमेर को मुगलों के हाथों बेच दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि शहंशाह को कोई इंतजार करवा रहा है। हाँ, और वो भी निकाह की पहली रात पर। कुछ कहना चाहते हैं आप सब? नहीं हुजूर, सिर्फ ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि महामंगा अब तक आई क्यों नहीं। जिल्ले इलाही को इंतजार करवाना ठीक नहीं, सब्र की भी इंतहा होती है हुजूर। कुआं जितना गहरा होगा पानी उतना ही मीठा निकलेगा शरीफुद्दीन। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो।
शहंशाह को इस तरह इंतजार करना पड़ा, इसलिए माफी चाहते हैं। बेगम जोधान नहीं आ पाएंगी। मतलब? उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। पहले इंतजार, फिर इनकार। कहां है वो? अपने खेमे में। अपना खेमा? जी, बेगम जोधा की फरमाइश थी कि उनका खेमा अलग से लगाया जाए। आवाज सुनने के लिए आप नहीं आए। आप जानती हैं ना, हम आपके शोहर हैं। हमारे बुलाने पर आपको आना चाहिए था। अब खामोश क्यों हैं आप? अग्नि की ज्वाला के आगे कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, कितने बड़े बड़े वचन लिए थे आपने कि अपने शोहर की सब बात मानेंगी, एक बीवी होने का हर फर्ज निभाएंगी आप। तो अभी से वो सब बातें हवा हो गई। हमें अपने दिए हुए वचन याद है, ये भी याद है कि आप हमारे पति बन चुके हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि हम आपकी पत्नी बनकर यहां आए हैं। और कोई भी धन एक पत्नी को दासी समझने का, उसके साथ बल प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। हमारा सप्तपदी का वचन भी आपको हमें इस प्रकार भरी सभा में बुलाने का अधिकार नहीं देता है। किसी भी पति के लिए उसके अधिकारों से पहले उसकी पत्नी का मान सम्मान आना चाहिए। बहुत खूब, हम यहां आपके पास आए थे अपनी शिकायत लेकर, और आपने तो हमें मुजरिम साबित कर दिया। ये जो खौफ है आपकी नजरों में हमें लेकर, कि अब क्या होगा, हम कैसे पेश आएंगे, हमें पसंद है। ये खौफ हमेशा कायम रहे।
अगली बार अपनी हिफाजत के लिए आपको किसी खंजर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे होते हुए आपको किसी भी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। आपको हर किस्म के खतरे से बचाने के लिए हम यहां मौजूद हैं, पर हमसे आपको बचाने के लिए कोई नहीं। खुदा, शहनशाह के हाथ में जख्म, लगता है जोधा बेगम ने शहनशाह पर हमला किया है, पर शहनशाह ने बदले में कुछ भी नहीं किया, ऊपर से हंसते हुए जा रहे थे। कई बार तो शहनशाह की हरकतें समझ से बाहर होती हैं। हर बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, यही परंपरा है। इस कक्ष को देखिए मासा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस प्राण नहीं है इसमें। जोधा के बिना सब कुछ कितना सूना, कितना निर्जीव है मासा। ये सोचकर मन घबरा जाता है, मारी बच्ची वहां मुगलों के पास अकेली अकेली है। अकेली कहां है मैनावती? उसके कान्हा जी उसके साथ। मैं तो ये कहने आई थी कि कान्हा जी की दूसरी मूर्ति विधिवत स्थापित हो गई है। कान्हा जी की मूर्ति तो दूसरी आ गई है मासा, पर हम दूसरी जोधा कहां से लाए, उसके गाए हुए वो सुरीले भजन कहां से लाए मासा, कहां से लाए।
हुजूर आला, दस्तरखान सजा दिया गया है। बेगम चौधरी, आपको शहंशाह के पास बैठना होगा, यही हमारा रिवाज। आप ही सहायता कर दीजिए, कर्तव्य समझ कर ही सही। काफिले को निकलने का हुक्म दीजिए। जो हुक्म शहंशाह।
चाहते थे कि आप उन्हें खिलाएं अपने हाथों से, इसलिए उन्होंने आपके साथ छल किया। ये कैसे हो सकता है? हमारे शहंशाह किसे हिंदू से निकाह कैसे कर सकते हैं? और वो भी उनकी रीति रिवाज से? बादशाह जो भी करे उनकी मर्जी, वैसे भी कोई भी कानून बादशाह से बढ़कर तो नहीं होता ना। अरे मियाँ, अब किसमें हिम्मत है जो बादशाह से सवाल करे। बिल्कुल, हमें तो बस जश्न मनाना चाहिए बादशाह के निकाह का। सुभान अल्लाह, ये तो निहायत ही अच्छा काम किया है जलाल ने। इन राजाओं से वफादार और कोई नहीं होता। पहले भी इन्होंने कितनी बार हमारी मदद की है, और मरहूम बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी उन्होंने, और जलाल की जिंदगी ये तो उन्हीं के कर्जदार है। और अब एक राजवाड़े की शहजादी से निकाह, वल्लाह। खुदा हम पे बहुत मेहरबान है। शेरशाह सूरी ने जब हमला करके हमसे सब कुछ छीन लिया था, तब अमरकोट के राजा बीर साल ने हमें पनाह दी, दोस्ती निभाई, और तो और जलाल भी वहीं पैदा हुआ। बहुत सुंदर बालक है हमीदा बहन, एक हिंदू के घर में जन्मा मुगल बालक है ये। देखिएगा, एक दिन यही बालक हिंदू और मुगल के एक होने का कारण बनेगा। बहुत वजह फरमाया था अमरकोट की महारानी ने कि जलाल हिंदुओं और मुगलों के एक होने का सबब बनेगा। हरम की सारी हिंदू दासियों को बुलाया जाए, हम जोधा के इस्तकबाल के लिए कुछ तैयारियां करेंगे। जी मलिका आलम। मलिकाए बेगम, शहंशाह ने एक हिंदू शहजादी से निकाह कर लिया। होशियार खान, खेल के दौरान हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। कमाल है, आपको इतनी बड़ी खबर मिली और आपके चेहरे पर शिकन भी नहीं। शिकन क्यों होगी हमारे चेहरे पर? शहंशाह को हमसे बेहतर और कौन जानता है। फिर उन्हें एक नया खिलौना मिल गया है अपना दिल बहलाने के लिए। कुछ ही दिनों में इससे भी दिल भर जाएगा उनका। शहंशाह अपने हरम में चाहे कितने भी खिलौने सजाए, कितनी भी बेगमें ले आए, उनका पसंदीदा खेल तो शतरंज ही रहेगा, और उनकी पसंदीदा बेगम रुकैया ही रहेगी। वो हरम में ही रहेगी मलिका? तो जाओ उनका कमरा सजाओ। जलाल की हर एक चीज हमने ही संभाली है, तो इस खिलौने को भी हम ही संभालेंगे। गुस्ताखी माफ मलिका बेगम, शहंशाह महल में तशरीफ ला रहे हैं। गुस्ताखी माफ मलिका, शहंशाह का इस्तकबाल करने आप नहीं जाएंगे? जरूरत नहीं, हमेशा की तरह शहंशाह खुद हमारे पास है। सबसे पहले बेगम जोधा, इन्हें सलाम कीजिए। ये है मलिका आजम, शहंशाह की वालिदा हैं ये। माशाल्लाह, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। हीरे की चमक भी तुम्हारे नूर के आगे फीकी पड़ जाए। हमारी दुनिया में खुशामदीद, इनसे मिलो। ये है बख्शी बानो, हमारी बेटी।
जलाल की छोटी बहन। खुशामदीद भाभी जान, सर आपके पैर आगे कीजिए, दूध धुलिया की रस्म पूरी करनी है। तुम्हारे रिवाजों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है हमें, पर सोचा कुछ ऐसा करें जिससे इस महल में तुम्हें कुछ अपना सा लगे, इसीलिए हिंदू बांदियों को अगवानी के गीत गाने के लिए बुला लिया। तुम नहीं जानती जोधा, तुम हमारे लिए कितनी खास हो। माहम, हमारी बहू के आराम के लिए तैयारियां कीजिए, हम चाहते हैं कि उन्हें खास सहूलियतें मिले। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मल्लिकाया, हम इनका और इनकी फरमाइश का पूरा ख्याल रखेंगे और इन्हें इस महल में इनकी जगह भी दिखा देंगे। नहीं, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, इस महल और यहाँ की हर चीज से अपनी बहू का तारुफ हम खुद करवाएंगे। अब तो आपका गुमान टूटेगा, अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करती हुई नजर आएगी। ये है हरम, महल की शाही औरतों की रहने की जगह। गलत चल चली है ना? नहीं नहीं भाभी। आदाब बेगम साहिबा। तो ये है नई बेगम, शहंशाह की नई बेगम की शान में पान हाजिर है, पान तो लीजिए। धन्यवाद, हम पान नहीं खाते हैं। तो बता दीजिए बेगम साहिबा, आप क्या शौक फरमाती हैं? जोधा बेगम अब इसी हरम में रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इनके शौक जान जाएंगी आप, फिलहाल इन्हें आराम करने दें। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं बहू बेगम, हर एक की बात पे ध्यान देना जरूरी नहीं है, कुछ एक को तो नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। तुम जानना चाहती हो ना कि ये सब कौन है? कुछ तो जलाल की बेगमें हैं और कुछ बांदियां, बाकी सब वो औरतें हैं जो जलाल के नजर हुई हैं या उनकी रियासत को जलाल ने जीता है, बाकी हरम की हिफाजत के लिए हैं।
हरम में हिफाजत के लिए भी गैर मर्दों का आना मना है। यहाँ की जितनी भी औरतें हैं उनकी इज्जत और उनकी जरूरतों को हर तरह से पूरा करता है जलाल, अपना फर्ज निभाता है। पर हमें लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम इस निकाह से दिल से राजी नहीं हो। बताओ कि तुम इस निकाह के लिए रजामंद क्यों नहीं थी? जिसमें दया न हो, हृदय न हो, उससे विवाह करने के लिए कोई तैयार हो कैसे सकता है? किसी और ने ये बात की होती तो हमें बुरा लगता, पर हम खुश हैं ये देखकर कि ना सिर्फ तुमने अपने दिल की बात कही है पर जलाल के खोए हुए दिल के बारे में भी सोचा है। तुमने सिर्फ ये नहीं देखा कि जलाल के पास क्या कुछ है, तुमने ये देखा कि उसके पास क्या नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे आने से जलाल को उसका खोया हुआ दिल मिल जाएगा। अब तुमसे रुखसत लेते हैं, आराम करो, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल महामंगा रखेंगी। ये हमारा है? नहीं हमारा है, रुकैया बेगम ने हमें दिया है। आहा, बेगम की तीमारदारी हम करें और शाही शरारा तुम्हारे हक में हो। लाओ इसे हमें दो। हमारा है ये? नहीं हमारा है ये, दो हमें। सुनिए ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, आप में से कोई नहीं रोकता क्यों नहीं? हुक्म नहीं है हमें, और तुम भी ये जरूरत कभी मत करना, क्योंकि इस हरम में होने वाले सारे फैसले केवल रुकैया बेगम के हाथ में, और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उनके हक में दखल दे। रुकैया बेगम? जी हाँ, रुकैया बेगम, शहंशाह की सबसे खास और पसंदीदा बेगम। हरम में उनका हुक्म भी ऐसे ही माना जाता है जैसे शहंशाह का हुक्म माना जाता है, दो दिन पुरानी कालीन हो या फिर कोई शानदार झूमर रुकैया बेगम की नजरों से उतर जाए तो उसे फौरन बदल दिया जाता है और पुराना सामान हमें मिल जाता है। और क्यों ना हो, शहंशाह उनकी सारी बात जो मानते हैं, रुकैया बेगम के आगे चली हुई जबान और उठा हुआ सर दोनों काट दिया जाता है।